उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप सबको सबसे पहले आपके भाई आपके बेटे का हार्दिक अभिवादन। अभी 10 दिन पहले भी एक पुल का हम लोगों ने ये किया था, शिलान्यास किया, 6.5 करोड़ रुपए का था, कार्यारंभ किया था। वो भी आपके पास नहीं है, यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है। उस दिन भी हमने कहा था, इसके बाद वो दूसरा पुल जो है, मतलब दोनों पुल अब आपका जुड़ गया। उस दिन हमने कहा था, कभी हमको 1 साल हमसे मत बुलवाइए, है कि अभी हमको साल भर तो रोज हमको कार्यारंभ करना है। एक ही बात को रोज कितना बोले, हम आप लोग से पूछने कुछ आ जाए, हम अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो पुल बन रहा है, ये पुल इस पर मेहनत हम लोग इसलिए करते हैं, एक विश्वास का पुल है आपके लिए, सिर्फ पुल है आपके नदी में पुल है, लेकिन मेरे लिए ये एक विश्वास का पुल है, एक विश्वास का सेतु है कि चुनाव के पहले हमने जो बात आपसे कहा था वो चुनाव के बाद हमने अपने बातों को पूरा किया है, अपने बातों को निभाया है। और आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के विपक्ष के लोग, विपक्ष के नहीं कुछ यही के लोग, जिनको कह सकते हैं राजनीतिक कुचक्के, जिनके घर में हमने पिछले साल कहा था 15 फरवरी को ये राजनीतिक अमावस्या मनेगा तुम्हारे घर में, शुरुआत तो हो गई, अंधेरा तो कर दिया 16 तारीख बोला था, अंधेरा हो गया और दोबारा चलने भी नहीं देंगे, ये लिख लो। हमारी एक आदत है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हम अपने बातों से नहीं मुकरते। और आज फिर 11 साल के बाद हम इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, भीड़ में से कोई उठकर आए और यह बताए हमारी क्षेत्र की जनता कि हमने कभी भी आपसे कोई झूठ बोला है, तो मैं आज के आज, अभी के अभी, आजीवन राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा, सिर्फ जनसेवा में करूंगा, सक्रिय राजनीति में नहीं। है किसी माइंड के लाल में जो मेरे ऊपर साबित कर दे? तरह तरह की सिर्फ बातों करने से नहीं होगा, ये सिर्फ झूठी झूठी बातें जनता को बरगलाने की बात करते हैं। अरे देखना है, ताकि जनता से पूछो जिसका विश्वास है अपने बेटे पे अपने भाई पे। ये मुझे नेता नहीं मानती यहाँ की जनता, यहाँ की जनता मुझे अपना बेटा मानती है और बेटा पे विश्वास करती है। और जिस बेटे पे जनता ने विश्वास किया, वो बेटा उनके लिए काम कर रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है और आपके सामने उसका ये परिणाम। हमने कहा था ये पुल बनेगा, ये पुल बना। क्या हो गया 5 साल पहले, हम देख रहे थे परसों एक बंदी था, ये लोग विरोध कर रहे थे। उस दिन हमने देखा कि पूर्व प्रतिनिधि के पुत्र कह रहे हैं हमारे माता जी के समय में स्वीकृत हुआ था, तो माता जी के समय में स्वीकृत हुआ था, अचार डाल रहे थे 5 साल तक, स्वीकृत हुआ तो लाए क्यों नहीं जमीन, काम क्यों नहीं किए? क्या जी सच्चाई बोल रहे हैं कि नहीं हुआ था? माता के समय में स्वीकृत हुआ और पॉकेट में डाल के अचार डालने लगे। अरे एक तो लुच्छा, उसका तो खैर बातें छोड़ दी, वो तो रोज झूठ झूठ कुछ भी बात मानते रहेगा, उसका तब अमावस्या शुरू हो गया, अब उसकी बात ही नहीं करना। अब जो वो आए राम थे और गए राम हो गए, अब उनकी बात नहीं। लेकिन जो पूर्व के प्रतिनिधि के पुत्र ने जिन्होंने ये बात कहा है हमारे माता जी के समय में हुआ है, हम उनसे कहते हैं हे माता जी के सुपुत्र, आपने क्या किया 5 साल तक जिन योजनाओं का आपको जमीन फैलाना चाहिए था, उनको क्या अचार बना के डालेंगे थे कि पूर्व होने के बाद उसको बैठ के खाएंगे? सुन लीजिए, जनता को मत बरगलाइए, हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, काम करना जानते हैं और हम काम करने के लिए आए हैं आप लोग के बीच में। और इसका परिणाम है कि अपने काम के दम पे हमने आपसे वोट मांगा था और आज भी आप देख सकते हैं इस इलाके में 5 साल में आपका प्रतिनिधित्व नहीं किया हूँ। 5 साल पहले जब हम आपके विधायक बने थे, आज भी आप किसी भी इलाके में चले जाएंगे, जिस भी इलाके में जाएंगे, वहाँ पे जो रोड नजर आएगी, उस रोड में घुसने से पहले बोर्ड पे जरूर नाम पढ़ लीजिएगा, उस बोर्ड पे एक ही नाम नजर आएगा, सुमित कुमार सिंह और विक्की सिंह, जो मेरा नाम है। ये आप जहाँ जाएंगे आपको जरूर मिलेगा, रोड और बोर्ड सिर्फ एक ही नाम मिलेगा अगर चकाई विधानसभा में आ जाएंगे। जितनी भी सड़कें बनी हैं, जितनी भी पुल पुलिया बने हैं, सारे पुल पुलिया तो आते हैं केंद्र से, सारे पुल पुलिया की राशि आती है राज्य सरकार से, ये सच्चाई है, केंद्र और राज्यांश हमेशा से रहा है। लेकिन उन योजनाओं को जमीन पे भी लाना पड़ता है, उसको लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं हो जाता। आप भी तो थे, आप क्यों नहीं मांग लिए थे मुख्यमंत्री से? मांगना चाहिए था, मुख्यमंत्री आपको मना थोड़ी करते, लेकिन मांगने का मुंह रहता तब ना मांगने जाते, कभी मांगने का मुंह तो नहीं। इन लोग को आदत है कि 24 घंटा भीख मांगेगा, वही अपने लिए अपने परिवार का, कभी जनता के लिए मांगा है? जिस दिन जनता के लिए मांगने चले जाओगे, मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला भी साथ देगा और जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी साथ देगा। जनता के लिए रहो और जनता के लिए मांगो।
हमने जो जो बात जनता के लिए कही थी चुनाव में, बीड़ी मजदूरी बढ़ाने का, मैं मानता हूं बीड़ी मजदूरी बहुत अधिक नहीं बढ़ी है, 10 रुपया बढ़ा, 10 रुपया बढ़ा, लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूं। 100 रुपया बीड़ी मजदूरी और बढ़ेगा तब जाके हमको खुशी मिलेगी। माता बहनों को जब मैं देखता हूँ यहाँ पे, माता बहन है, आज हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन आज हम आपसे पूछेंगे, आप लोग को फिरिया उड़िया मिलता है कि नहीं मिलता है? फिरिया मिलता है, पेंशन मिलता है? हाँ हाँ मिलता है, वो 400 रुपया मिलता है, मिल रहा है ना, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। अभी 400 रुपया मिल रहा है ना, और अभी गाँव में जो विधवा है, सुन लीजिए आप लोग, वीडियो साहिबा हैं यहाँ पे, जो भी गांव में बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से अधिक, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, उन सबको 400 रुपया का पेंशन मिलेगा। सरकार अभी 400 रुपया की राशि ही निर्धारित की है, इसलिए अभी 400 ही मिलेगा, जब बढ़ेगा तो आप लोग का भी बढ़ जाएगा। वो 400 रुपया अभी हमको दिलवाना सबसे पहले मेरा फर्ज है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं? कोई भी विधवा गांव से अगर होती है तो उनको ले जाइए तुरंत वीडियो साहब के यहाँ जाके, उनका नाम दिलवा दीजिए। और राशन कार्ड भी जिनका नहीं बन रहा है, हम वो भी बात करेंगे, अभी हमने जानकारी ली है, आप लोग सब नाम दीजिए, राशन कार्ड बनवाइए, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो हमको बताइए, हमारा फोन ना लगे, हमसे बात ना हो, हम साप्ताहिक आपके बीच में रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अरे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? झूठ बोल रहे हैं, बोलिए ना, नहीं हाथ उठा के बोलिए कि रहते हैं ना हम आपके बीच में? कोई भी कष्ट होता है, कोई भी आपके पास समस्या होती है, उस समस्या के लिए आपको फोन भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह भर इंतजार कीजिएगा, शुक्र शनिचर इतवार आपका बेटा आपके बीच में हाजिर रहेगा। किसी भी आम इंसान को 4 चीज से सरोकार पड़ता है, थाना, अस्पताल, अंचल और ब्लॉक, इतना ही चीज, और बाकी किसी का जहाज थोड़ी खराब होता है, इतना ही चीज से जरूरत पड़ता है। अब ये चारों चीज आपके बीच में मुस्तैद है और पूरे मुस्तैदी से काम करने के लिए तैयार है। अब इंदिरा आवास में 30,000 रुपया नहीं ना देना पड़ता है जी, अभी भी दे रहा है कोई? नहीं रे छोड़िए, अभी भी कोई दे रहा है? किसी पीछे वाले से पूछना है, बोलिए माँ बाप खड़ी मत बोलिएगा कि हमारा लग गया, लगता है क्या? लगता हो तो बोलिए, वीडियो साहब बैठी हुई है अभी सामने, किसी का पैसा भी लगता है? और सुन लीजिए, अब हम आपको बता देते हैं, किसी को कोई पैसा मांगे तो पैसा देना भी नहीं। अभी हमारे हाथ में भी एक सूची आया है, हम वो सूची सीधे मैडम को पकड़ा दिए, पता चला कि वहाँ का मुखिया 30,000 रुपया मांगता था। हमने कहा कि 30 दिन तक उसको अंदर कारावास में हम लोग भर्ती करवा देंगे, उसके ऊपर FIR करवा देंगे अगर वो पैसा मांगा। कोई गलत करता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, हम बता देते हैं, इंदिरा आवास हो चाहे जो भी, जिस तरह का सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अगर कोई पदाधिकारी पैसा मांगता हो हमारे बीच में आ जाइए, इंतजार कर लीजिएगा, 17 दिन का इंतजार कर लीजिएगा, उसका पैसा कौन कैसे लेगा पैसा और कैसे उसको पैसा मिलेगा वो हम देंगे। और इन सब चीज़ों से आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोग सीधे पहुँच जाइए अपने पदाधिकारीगण के पास, प्रखंड में वीडियो साहिबा बैठती है, नाम ही ममता है, ममता का मतलब ही समझ रहे हैं, आप सबसे उनका प्यार बना रहेगा, आप इनके पास जाइए अपना काम बताइए, राजेश जी हैं नए अंचलाधिकारी हैं, इनको अपनी समस्या बताइए, जो भी जमीनी मामला होगा, जो भी जमीनी विवाद होगा, इन सबको अविलंब वो देखेंगे और काम करेंगे। बस इतना ही आप लोग के बीच में, हमको ज़्यादा कहना नहीं था, बस ये तो हमारा आपके बीच में प्यार का एक जो वास्ता है वो हमेशा प्यार बना रहे, आप लोग का प्यार जो हमको मिलता है ये प्यार हमेशा हमको मिलता रहे, बस यही हम इसी के इतना ही कि हम आकांक्षी हैं इन्हीं। और अपने बातों को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आपके बातों को समाप्त करने से पहले कि भाई हम लोग एक महामारी से गुजरे हैं, दो बार, यहाँ कितने लोग हैं जो अपना टीका ले चुके हैं, बस फिर बीमारी फैलेगा, और बीमारी फैलेगा अगर तो फिर उसका इलाज क्या है? उस समय परेशान होइएगा, उस समय दौड़िएगा कि ऑक्सीजन चाहिए, उस समय परेशान होइएगा कि हमको सुइया दिलाइए, उससे बेहतर है कि चुपचाप जाइए और सुइया लेके, सुइया लेने में परेशानी है तो बोलिए, हम डॉक्टर साहब से खबर करेंगे, वो आपके बीच में आ जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? जी लेंगे,
क्या कहते हैं सुन लीजिएगा आप लोग, सुई लीजिएगा आप लोग। हाँ आएंगे यहाँ पे, कैंप लगेगा, कैंप लगा के सुई दिलवाएंगे, लीजिएगा सुई आप लोग, सुई लीजिएगा आप लोग, सब लोग मिलके सुई ले लीजिए, हम कैंप लगवा देते हैं और हॉस्पिटल में भी सुई मिल रहा है, सुई जरूर ले लीजिए। सुई लेने में परहेज मत कीजिए क्योंकि बीमारी से बचाव यही है, इसके अलावा कोई बचाव नहीं है बीमारी का। और एक आप लोग फिर से सुन रहे होंगे, तीसरी लहर की बात सुन रहे हैं, तो सावधानी जरूरी है, आप सब लोग सावधान हो जाइए। और ये टीका लेना इसलिए भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, कल को आप नौकरी करने के लिए या कहीं भी आप बाहर जब जाएंगे इसको चेक किया जाएगा, और आपके पास अगर टीकाकरण आपका नहीं रहेगा तो आपको परेशानी होगी, उससे बेहतर है कि आप किसी परेशानी में ना पड़े। और मैं खास करके पंचायत चुनाव आने वाला है, सभी पंचायत प्रतिनिधियों से ये आग्रह करूंगा कि आप चुनाव लड़ें, अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं, अपने मतदाताओं के पास जाने के साथ साथ उन्हें टीकाकरण के लिए भी जागरूक कीजिए कि आपके मतदाता टीकाकरण करवा लें, वो जागरूक उनको कीजिए, तब जाके इस बीमारी से हम लोग जीत सकते हैं। हंसिए मत गोरे बाबू, आप भी जाइए पीछे और वहाँ जाके अपने गाँव में भी टीका लगवाइए, ये हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है, इसको समझना पड़ेगा। तो आप लोग भी टीका लगवाएंगे, लगवाइएगा टीका, अरे इतना देर बोले कुछ समझे, लगाइएगा टीका, हाथ उठाइए तो डॉक्टर साहब को भेजेंगे। कौन कौन लगवाएगा, जो लगवाएगा, जो नहीं लगवाएगा मत उठाइएगा, जेकरा नहीं मन है मत लग उठाइएगा, फिर बीमारी होगा तो मत कहिएगा, नहीं लगाइएगा तो बीमारी होगा, लगा लीजिएगा बीमारी दूर भागेगा। तो बताइए लगाएगा कौन, हाथ उठाइए जिसको जिसको लगाना है, जिसको जिसको बीमारी भगाना हाथ उठा दे। अरे भाई डॉक्टर साहब को फोन कीजिए, कहिए यहाँ वो कैंप लगा देंगे, मिलेगा हम बात कर लेते हैं, सेकेंड नहीं मिल रहा है विजन कर दो। चलिए आप लोग का प्यार बस इसी तरह से बना रहे, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और हम आपके बीच के बेटे हैं, अगर हमसे कुछ भूल चूक भी हो जाए तो अपना बच्चा समझ के हमारी गलती को क्षमा कर दीजिएगा, हमको समझा दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।